wearing masks and maintaining social distance, people in Murshidabad area of Hyderabad stood in long queues, eagerly waiting for their turn to receive the food items being distributed by a Hindu group. Headed by Itla Hari Babu Yadav, who is also a local resident, the group was providing a bag of essential commodities to all the people, irrespective of their religion. It has been carrying on with this activity since the first day of Ramadan, so the locals, especially Muslims, do not face any shortage of food items at their homes during this holy month. ये लॉकडाउन के वजह से कोरोना वायरस के लिए लोग गरीब लोग जिनको है उनको फूड का आइटम्स ज़रूरत है सोच के हम 24 अप्रैल से हमारा ओन फंड से पैसों से एक 9 आइटम्स का फूड ग्रॉसरी आइटम्स राइस है इसमें तुअर की दाल है शुगर है टी पाउडर है साबुन है हल्दी है मिर्ची पाउडर है ऐसे चीज़ें तेल है जैसा फिर रमज़ान महीना शुरू हो गया है रमज़ान फेस्टिवल मुसलमान लोग भी हमारा डिवीज़न में ज़्यादा है इधर मुशीराबाद में तो उन लोगों को नज़र में रखते हुए भी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा के मुसलमान हिंदू सबको कम्युनिटी बेस नहीं है कोई भी ज़रूरत है फूड उनको ज़रूरत है उनको हमने पहुँचा रहे डेली The people standing in a queue could be seen carrying a pink cart. This cart is basically a token that has date and time mentioned on it. The group members personally visit every household and provide this token to the locals so that it doesn't lead to crowding at the time of distribution. Locals are effusive in their praises of the group for helping them during this time of crisis. हरी बाबू साहब जो है घर पे आके जो है 24 तारीख से जो लोग काम पे नहीं जाके इस लॉकडाउन में बैठे हुए हैं उनको जो है अपनी तरफ से अपने खर्चे से वो जो है लोगों की मदद के लिए ये सब राशन का एक किट का इंतज़ाम करे हैं जिसकी वजह से मजदूर पेशा लोगों को और टेक्नीशियंस को जो लोग हाथ फैला नहीं सकते उनके घरों पर जा जाके इन कार्ड्स बांट रहे साहब बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं और रमज़ान जब से शुरू हुआ ये जो मदद हो रही है इसके लिए हम सब अल्लाह से दुआ करें कि इनको और तरक्की दे Adhering to social distancing norms and by providing free food to the needy, the group is battling against both the hunger woes as well as COVID-19. अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मारिया ताहिर है मेरा ताल्लुक भिम्बर आज़ाद कश्मीर से है मैंने गैंग रेप ब्लैकमेलिंग और अगवा बराए तवान जैसे अजाब झेले हैं 2015 से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ मेरे मुलजिमान में हारून रशीद मामून रशीद जमील शफी वकास अशरफ सनम हारून और 3 नामालूम शामिल हैं पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस पंचायत के हवाले कर देती है पंचायत जिसकी लीडिंग आज़ाद कश्मीर का सीनियर वजीर चौथी तारीख फरूक का भाई और बहनोई करता है 19 दिन तक पंचायत चलती है मुलजिमान मानते हैं कि हमने सब कुछ किया उसके बावजूद पुलिस और पंचायत हमसे इन 3 जराइम का गन पॉइंट पे राजीनामा लिखवा लेती है दोबारा पुलिस के पास जाती हूँ तो पता चलता है कि FIR तो हो गई एक नहीं दो एक मेरी तरफ से और दूसरे मुलजिमान को तहफ़ फ्राहम करने के लिए पुलिस खुद से काटती है मेरी FIR को खारिज कर दिया जाता है और मुलजिमान के तहफ़ के लिए काटी गई कमज़ोर सी FIR को रख के उसके मुताबिक सिर्फ 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाता है जब मैं मीडिया लेके हवालात में जाती हूँ तो वो दोनों मुलजिमान जो हैं वो हवालात में नहीं होते बल्कि सब इंस्पेक्टर के रूम में सो रहे होते हैं मुझे इंसाफ न मिलने की सबसे बड़ी वजह आज़ाद कश्मीर का सीनियर वजीर चौधरी तारिक फरूक है जो कि मुलजिमान की पुष्पनाई करता है मुलजिमान जिनका माजी सरकारी इमारतों पर हमला करना DC SP को उनके ऑफिस में यरगमाल बनाना लड़कियों से रेप ब्लैकमेलिंग और बाद में उन्हें जिंदा जला देना लड़कों तक से रेप गरीब लोगों की जायदादों पर कब्ज़ा
और बेगुनाह शहरियों का कत्ल शामिल है। 4.5 साल हो गए शरीयत कोर्ट मीरपुर में अपील चल रही है, लेकिन उस पर कोई समाप्त नहीं हो रही, बल्कि बजरिया पुलिस हमें ही इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। आज़ाद कश्मीर के हर फोरम तक गई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिला। अब जबकि मैंने बाकायदा तौर पर एक कंपेन स्टार्ट की है, शाहिद अफरीदी के सारे क्रिकेटर काफ़ी कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, इस बार भी उन्होंने इंडिया प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी कुछ कहा है, और क्या कहते हैं? देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं, वो बच्चे तो रहे नहीं क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है कोरोना वायरस से, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इसे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है, और आप ही की नहीं आपके देश की क्या सोच है, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि इस टाइम पर अगर आप सामान बांट रहे हैं या खाना बांटने गए तो यहाँ पर उस टाइम आप सिर्फ गरीब लोगों की मदद करिए, इस टाइम राजनीति करने का क्या फ़ायदा है, कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का। आप अपना देश देखिए ना, आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहाँ पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें, इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीज़ें बोलिए, तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। मतलब इससे पहले भी देखा गया कि कई सारे अननोन टेररिस्ट का अटैक होता है, कई बार होते हैं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी जैसे कि शाहिद अफरीदी बोल रहे हैं देश को समझने को? बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस टाइम पर आप देखिए कि पूरी दुनिया एक इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है, जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं, हर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं, इकोनॉमी शार्टर होने वाली है, सारी दुनिया एक तरीके से लॉकडाउन में, उसके बावजूद अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो फिर आपकी ये सोच दर्शाती है कि उस देश की क्या सोच है, कि कभी आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, कभी आप आतंकवादियों को भेजते हैं, कभी आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं जब आप मदद कर रहे हैं लोगों की, तो जब आपकी ऐसी सोच होती है तो फिर आप डेवलप भी नहीं होते ना, आप मेंटली डेवलप होते हैं ना, आप एज ए ह्यूमन डेवलप होते हैं ना, ही एज ए नेशन भी डेवलप होते हैं, तो इसलिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। एंड होप कि अगर इसे सीख जाएं, क्योंकि हम सीखने की कोई उम्र नहीं है, अगर अभी भी सीख जाएं तो शायद कुछ उनका भला हो सकता है, नहीं तो अगर आप ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे तो लोग आपको वैसे ही सीरियसली, क्रिकेट में भी नहीं लेते थे, अब तो वैसे भी नहीं लेंगे। If required to take out any terror camps or launch pads across the LC, are we ready? Oh, if the situation so demands, of course. We are all ready 24/7. And sir, in last about 15-20 days, in the COVID situation, with China is getting attacked globally and getting cornered, there have been attempts to increase engagements with the Indian armed forces all along the line of actual control. As far as the ground situation is concerned, I think Army Chief in a very elaborate statement has covered this situation. There is no need to unduly increase the sensitivity or the worry on these issues. Some of these issues are routine, but there was some activity noticed which was not in the usual domain. Whenever such things happens, we monitor closely and necessary action is taken. And so there is no reason for undue worry or increasing the hype on these issues. And these airspace violations, are they being tackled by the airport? Whenever there is a violation, it gets tackled. We take our measures. There were reports that Pakistan had increased its flying activities as they feared that we might retaliate with the Air Force. Do you think Pakistan fears that Air Force will carry out an attack on its base, terrorist camps? Whenever there's a terrorist attack on our soil, they should be worried. And they were rightly worried. And they have to stop abetting terrorism if they have to get out of these worries. And sir, we have seen that in last few months, as the number of terrorists in launch pads and terror camps has gone up significantly in Pakistan occupied Kashmir. You think this is something to be worried about for India as well?
No, this happens every year. Army Chief has already given his opinion on the issues. We monitor these things closely, and whenever action is required to be taken, it gets taken. So there's nothing to worry about this. These things are monitored closely by all the agencies concerned.